हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नुह मेवात में भले ही कोरोना वायरस केसों की संख्या 57 हो गई है, शनिवार को एक नया केस पॉजिटिव आने के बाद संख्या 57 है। हालांकि 57 वैसे नलहड़ मेडिकल कॉलेज आइसोलेशन पार्ट में भर्ती चार लोगों को पूरी तरह स्वस्थ होने के कारण डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब एक्टिव केसों की संख्या 53 रह गई है। ठीक होने वाले तबलीगी जमात से संबंध रखते हैं, चारों को मालव गांव के एकांतवास में 14 दिन तक एहतियात के तौर पर रखा गया। नया केस बारोटा गांव के पॉजिटिव मिले दत्त मेडी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी जयपाल की पत्नी बताई जा रही है। नलहड़ मेडिकल कॉलेज में जिन पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा था उनमें से केरल के रहने वाले तबलीगी जमात के सदस्य मोहम्मद अब्दुल्ला उम्र 22 वर्ष को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद गुरुवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके कुछ घंटे बाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले नासिर को डिस्चार्ज किया गया। नासिर और अब्दुल्ला दोनों तबलीगी जमात के सदस्य बताए जा रहे हैं। इसके अलावा केरल व साउथ अफ्रीका के दो तबलीगी जमातियों को डिस्चार्ज कर एकांतवास माला में भेजा गया है। पॉजिटिव महिलाओं की संख्या अब मेवात जिले में 4 हो चुकी है। नए केस सभी नुह मेवात जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि नुह मेवात जिले में करीब 2091 लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है, जिनमें से 380 लोगों का सर्विलांस पीरियड पूरा हो चुका है। अब सर्विलांस पर 1711 लोग रह गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 1201 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए पीजीआई रोहतक व गुरुग्राम के एक निजी लैब में भेजे थे, जिनमें से 1082 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तथा 57 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। जिला नोडल अधिकारी एवं उप सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने पत्रकारों को बताया कि जिले में 53 केस एक्टिव हैं, क्योंकि 4 मरीजों को गुरुवार को नलहड़ मेडिकल कॉलेज से छुट्टी दे दी गई। अभी भी करीब 62 केसों की रिपोर्ट आना बकाया है। उन्होंने बताया कि नलहड़ मेडिकल कॉलेज तथा अलाफिया सामान्य अस्पताल माडीखेड़ा में कुल मिलाकर 53 लोग आइसोलेशन पार्ट में इस समय भर्ती हैं। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने यह भी कहा कि रोजाना स्वास्थ्य विभाग की टीमें सर्वे कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सैंपल लेने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि समय रहते कोरोना वायरस की पहचान होने के उपरांत उसके कॉन्टैक्ट में आए लोगों का इलाज किया जा सके। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। लगभग 1201 सैंपल लिए जा चुके हैं। कल 109 सैंपलों की रिपोर्ट आई थी, उसमें एक लेडी प्रोमिला गांव बारोटा की जो पॉजिटिव आई थी, वो एक पॉजिटिव केस की कॉन्टैक्ट थी। पहले उसके हस्बैंड पॉजिटिव आ चुके हैं, वो रोजगार मिल फैक्ट्री में अलवर के केस का कॉन्टैक्ट था। इसके अलावा हमारी अभी 62 सैंपलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। टोटल केस हमारे 57 हो गए हैं, जिसमें से 4 केस हमारे ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो अभी तक हमारे पास टोटल केस 53 है पूरे ज़िले में। जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं, 700 के आसपास लोग हैं, उनमें से क्वारंटाइन पीरियड बहुत सारे लोगों का पूरा हो चुका है, लेकिन उनमें जो लोग हैं वो किसी राज्य के, दूसरे राज्यों के हैं, हरियाणा से बाहर के हैं। उनके बारे में सरकार जो डिसीजन लेगी उसके बाद ही उनका निर्णय कर पाएंगे कि उनको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है।